अगर आपको एक ऐसी टैबलेट के बारे में बताया जाए जिससे कि आपका जो स्किन का शेड है वो 1 से 2 गुना ज़्यादा हो जाए, आपकी स्किन ब्राइटर हो जाए, ग्लोइंग हो जाए, और सबसे मेन बात गाइस, आपकी जो स्किन की क्वालिटी है वो बेहतर होने वाली है उस टैबलेट से। सो हे व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल बी अ मैन, और माई सेल्फ इज़ निखिल कोहली। और आज का टॉपिक यही होने वाला है, मैं आपको एक ऐसी टैबलेट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपना स्किन का टोन, ग्लोइंग और यू नो ब्राइटर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उस स्किन से रिलेटेड। सो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जिस टैबलेट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ उसका नाम है लिमसी 500 वाइटामिन सी की टैबलेट है, ठीक है। इसके बारे में हम पहले अच्छे से बात करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। ये नहीं कि मैंने आपको टैबलेट का नाम बताया, आपने वीडियो को कट कर दिया और पूरा नहीं देखा, क्योंकि आपको पूरा देखने की ज़रूरत है। इसके बारे में पूरी नॉलेज तो ले लो, उसके बाद इसे यूज़ करना है, कैसे करना है, यू नो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो बात करते हैं वाइटामिन सी के बारे में, मीन लिमसी के बारे में। सो गाइस, आप सोचोगे कि यार ये वाइटामिन सी की जो ये टैबलेट है, लिमसी की जो टैबलेट है, क्या हमें लेनी चाहिए, मतलब इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, और हमें ये क्यों यूज़ करनी चाहिए, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ये यूज़ करनी चाहिए, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। सो वाइटामिन सी है क्या और ये हमें क्यों लेनी चाहिए। गाइस, सबसे पहले मैं बता दूँ, आपको इसको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मगर किस बेस पे आपको इसे नहीं लेना है। अगर आप जैसे वाइटामिन सी किससे मिलता है आपको, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिससे कि आप वाइटामिन सी ले सकते हो, बट क्या आप उन सब चीज़ों को ले रहे हो, तब आपको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट आपका जो नॉर्मल बेसिक डाइट, हमारी इंडियन डाइट क्या होती है, सुबह आप यू नो रोटी खाओगे, दिन में आप दाल चावल भात जो भी है आपको वो खाते हो, रात में फिर से रोटी, मतलब आपके यू नो आपके उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स जिससे कि जैसे आंवला, यू नो ऑरेंज, और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिससे कि आपको वाइटामिन सी मिलता है और आपकी बॉडी को वो चाहिए रेगुलर बेसिस पे, आपके स्किन के लिए और आपके ऑर्गन्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करता है वाइटामिन सी। बगर आपका जो बेसिक डाइट है वो क्या आपको पता है आपकी डाइट कैसी चल रही है, सुबह रोटी, दिन में चावल, यू नो रात में रोटी, बस कहीं पे भी फ्रूट्स नहीं है, कहीं पे भी वेजिटेबल्स नहीं है, ग्रीन सैलेड्स नहीं है, दैट मीन आप विटामिन सी तो नहीं ले रहे हो ना। उस बेस पे आपको ये विटामिन सी टैबलेट लेनी चाहिए गाइस। अगर आप फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे विटामिन सी ले सकते हो, फ्रूट से, वेजिटेबल से, अगर आप वो ले रहे हो, यू डोंट नीड टू बाय दिस सप्लीमेंट। बट अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हो गाइस, आपको ये लेनी चाहिए विटामिन सी। अब बात करते हैं कि विटामिन सी से हमें फ़ायदा क्या क्या होने वाला है। गाइस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है विटामिन सी, तो विटामिन सी की टैबलेट है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है आपको ये समझना चाहिए पहले। जो आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स से मेरा मतलब है जो आपके खराब सेल्स हैं जिनका कोई भी यूज़ नहीं है, जिसकी वजह से आपकी स्किन रिपेयर नहीं हो रही है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, आपकी स्किन के जो खराब सेल्स हैं उनको हटाता है और जो अच्छे सेल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, जिससे कि आपको स्किन में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि यू नो पिंपल्स हो जाते हैं, मार्क्स हो जाते हैं, आपने देखा होगा जब भी पिंपल्स होने के बाद जो मार्क्स होते हैं तो वहाँ पे की स्किन रिपेयर नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्री रेडिकल्स हैं, आपके जो सेल्स हैं वो उतने नहीं हैं जिससे कि आपकी स्किन रिपेयर हो सके। तो जब एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी, ऐसे जो एंटीऑक्सीडेंट वाले जो फ्रूट्स होते हैं, यू नो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली इसी सप्लीमेंट से ऐसा होता है, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके जो सेल्स होते हैं उनको बढ़ाता है और खराब सेल्स को किल करता है, उनको मारता है। तो आपकी स्किन जल्दी अच्छे से रिपेयर होगी, आपके यू नो मार्क्स हैं तो जल्दी से रिपेयर होने लगेंगे और पिंपल्स होने की जो प्रॉब्लम्स है वो हट जाएगी। और सबसे मेन चीज़, विटामिन सी जब आप लेते हो ना, तो आपकी स्किन का जो शेड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगता है, 1 से 2 गुना। आपकी भरपूर मात्रा में अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी मिल रहा है तो आपकी स्किन ग्लो होने लगती है, ब्राइटर होने लगती है, राइट। तो विटामिन सी की आपको यू नो नीड है, आपको रोज़ लेना है। आप बोल रहे हो कि मेरी स्किन ना बहुत ही डल है, ये मेरा कलर नहीं है, आपका जो असली कलर है वो आपको पता है, बट वो धूप यू नो पोल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा डल हो चुका है और आपको यू नो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि यार ये मेरा स्किन का कलर नहीं है, बट वो आ नहीं रहा है। देखो गाइस, खाली विटामिन सी लेने से भी कुछ नहीं होगा। आपका सोचो कि आप जंक फूड खा रहे हो, बहुत गंदा फूड खा रहे हो, और यू नो और आपको स्किन की केयर नहीं है, और आप सोचो कि विटामिन सी लेके मेरा बहुत सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। आपको सब चीज़ बैलेंस रखनी है। बैलेंस से मेरा मतलब है यू नो आपका स्किन केयर रूटीन भी अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर स्लीप,
फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका जो वर्कआउट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, जैसे कि गाड़ी में चार पहिए होते हैं तो एक पहिया ये भी है विटामिन सी, जो आपकी यू नो स्किन के लिए, इंटरनल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मेन है आपकी स्किन के लिए, और बहुत सारे इससे यू नो बेनिफिट्स होते हैं। आप नेट में चेक कर सकते हो, विटामिन सी डालोगे या लिमसी के बारे में डालोगे, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ यू नो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ स्किन के बारे में। आप और भी चीज़ें देखोगे, जैसे इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा कर देता है, आयरन का अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आपकी जो हड्डियों की मजबूती बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है इससे, हार्ट डिजीज़ की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी कम कर देता है, ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होती है उसको कम करता है, और जो बॉडी के टिश्यूज़, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो भी आपने यू नो बॉडी बिल्डर होते हैं, वर्कआउट करते हैं, यानी कि तगड़े वाले, नॉर्मल अगर आप वर्कआउट भी करते हो तब भी आपको ये लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं या रनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपके बॉडी के जो मसल्स के जो टिश्यूज़ होते हैं वो टूटते हैं। यू नो जब भी आप वर्कआउट करते हो तो आपके बॉडी के टिश्यूज़ फटते हैं, तो जब भी आप विटामिन सी लेंगे वर्कआउट से 45 मिनट पहले, 30 मिनट पहले, अक्सर बॉडी बिल्डर लेते हैं, मैं लेता हूँ, बहुत सारे वो लेते हैं जिनको पता है विटामिन सी की यू नो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो जो जिम वाले बंदे होते हैं ना, जो वर्कआउट करते हैं, वो 45 मिनट 30 मिनट पहले लेते हैं, जिससे कि जब भी वो वर्कआउट करें तो आपके मसल्स ब्रेक होंगी, तो उस टाइम पे ये रिपेयर करेगा विटामिन सी, और ज़्यादा आपके मसल को जल्दी ग्रो होने में हेल्प मिलेगी वहाँ पे। तो विटामिन सी अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, गाइस गो फॉर इट, आप खरीद सकते हो। और फेस डल हो चुका है, यू नो ग्लो नहीं है फेस पे, आपका जो ओरिजिनल कलर है वो उससे डाउन है, तो उससे ऊपर जाएगा 1 से 2 गुना। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खतरनाक गोरे होने वाले हो उससे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ जो आपका जो शेड है उससे 1 या 2 गुना आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा इससे। सो गाइस ये है कितने का, ये गाइस आप यकीन नहीं करोगे, ये ओनली 15 रुपीज़ का है, या 15 भी नहीं, 14 पॉइंट कुछ का है। तो इसमें आपको 15 टैबलेट मिलती है, मतलब अगर आप रोज़ एक खा रहे हो तो महीने की आपको 30 लगेंगी, तो 30 रुपीज़, बहुत ईजी है ना गाइस। अगर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स सब कुछ खा रहे हो आप मत खरीदो उसको, बट अगर आप ये सब फ्रूट्स और यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे विटामिन सी मिलता है, जैसे ऑरेंज, कीवी, अंगूर, लेमन, वेजिटेबल्स में ब्रोकली, कैप्सिकम, और फ्रूट्स में पपाया, आमला सबसे बेस्ट है गाइस, ऑरेंज, यू नो ये सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिसमें से विटामिन सी आपको ईजिली मिल सकता है, बट आपको शर्त है कि रोज़ खाना है उसको, ठीक है। नहीं खा रहे हो वहाँ पे ये ऐड करो। सो गाइस 14 रुपीज़ का है, एक पत्ता आ जाता है, 15 दिन चल जाता है, और दो लोग एक साथ दो 30 दिन चलेगा, और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। और मैं इसको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसे लो, अपने पहले डॉक्टर से पूछ सकते हो कि क्या सर हम इसे ले सकते हैं, अपने डॉक्टर के पास, ये क्या पता आपके पहले से कुछ मेडिकल कंडीशन हो और कुछ मेडिसिन चल रही हो उसमें पहले से विटामिन सी हो, तो इसलिए आप पहले अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, आपको उनसे पूछ लेना है कि क्या सर मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। आप बेझिझक जाइए और उनसे पूछिए, और मुझे लगता है कि 90% वो आपको बोलेंगे कि हाँ यू कैन यूज़ इट। और इसको चबाना नहीं है, ठीक है, अगर आप इसको सोच रहे हो कि सीधे खाओ चबाओ, बिल्कुल भी नहीं, एक टॉफ़ी की तरह आएगी, आपको खाली अपनी जीभ में रखना है और उसे चूसना है जैसे आप टॉफ़ी को खाते हो, ये नहीं कि आपने चबाया, ऐसा बिल्कुल मत करना, आराम से इसे चूसते रहें और ये ऑटोमेटिकली पिघल के आपके पेट में चला जाएगा। सो गाइस ये था वीडियो लिमसी विटामिन सी टैबलेट के बारे में, स्किन से रिलेटेड, कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किस कंडीशन में लेना चाहिए। वीडियो पसंद आई है या कोई भी अभी भी डाउट आपके माइंड में, कमेंट करो नीचे, या इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे, वहाँ पे फॉलो करो, वहाँ पे मैसेज करो, आपको रिप्लाई मैं पक्का दूंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।